मालिक, जोर से बोलो। भारत में देवी देवताओं का गायन है और विदेशों में विधर्मियों में फरिश्ताओं को मानते हैं, परंतु अभी हम विधर्मी हैं या स्वधर्मी हैं? देवी देवता सनातन धर्म के पक्के बने हैं या विदेशियों से प्रभावित हैं? अभी भी विदेशियों से प्रभावित हैं। जो विदेशी धर्म हैं, उनमें भी कुछ न कुछ अच्छाई है या नहीं है? है? अच्छाई है। ज्यादा नष्टो मोहा विदेशी होते हैं या स्वदेशी होते हैं? विदेशी नष्टो मोहा होते हैं भारतवासियों के मुकाबले। जो नष्टो मोहा, उनको ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता माने जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं होता। तो पहले फरिश्ता बनना पड़े, नष्टो मोहा बनना पड़े। ऐसी स्टेज जब पावेंगे तब बाद में देवता बनेंगे। जो फरिश्ता ही नहीं बनेंगे वो देवता भी नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनती? हाँ, राम वाली आत्मा तो दुनिया का बीज है। उसके लिए तो बोला दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। धर्मराज, जो न इस कुल का न उस कुल का, कभी भारतवासियों में मिक्स हो जाते हैं, कभी विदेशियों में जाकर के मिक्स हो जाते हैं। अभी भारत के सब बड़े बड़े सन्यासी विदेशों में जाकर के शिक्षा दे रहे हैं। न स्कूल के रहते हैं पक्के और न स्कूल के पक्के रहते हैं। उनको कहते हैं नपुल। नेवला जैसा पार्ट है। नेवला क्या करता है? सर्प को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो ये सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की विकारों पर जीत हो जाएगी, माना रावण पर जीत हो जाएगी। तुम पूछना क्या चाहते हो ये तो सब बताया है। सब नंबरवार अर्जन करने वाले पुरुषार्थ के अर्जुन हैं। जो भी पुरुषार्थ का अर्जन करते हैं वो सब अर्जुन हैं। उनमें अव्वल नंबर जो पहले पहले नंबर का पुरुषार्थ करता है वो अर्जुन है। क्या पुरुषार्थ करता है? क्या पुरुषार्थ करता है? अर्जुन ने क्या पुरुषार्थ किया? भक्ति मार्ग में गायन है। अर्जुन ने भगवान के प्रति अपने को अर्पण कर दिया। तो अर्पण होने वाला साकार, और जिसके प्रति अर्पण हुआ वो भी साकार। तो बौद्ध धर्म की जो आत्मा निकलती है स्वदेशी, वो अपने को ईश्वरीय रास्ते पर अर्पण कर देती है। वो भारतीय है या विदेशी? भारतीय है। सन्यासियों में सबसे उत्तम सन्यासी है। ऐसे बड़े बड़े सन्यासी जब निकलते हैं तो विकारों पर विजय हो जाती है, और यही पुरुषार्थ है। क्या 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना? तो बौद्ध धर्म की जो बीज रूप आत्मा है, आधारमूर्त आत्मा है, वो जब ज्ञान को समझ लेती है, साकार को पहचान लेती है, निराकार साकार में निराकार कैसे कार्य कर रहा है, तो बुद्धि की क्षिप्रता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाती है। तो पुरुषार्थ का पक्का पक्का अर्जन करती है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो बौद्ध धर्म की वो आत्मा भी बुद्धिमानों में इतनी श्रेष्ठ बनती है कि भक्ति मार्ग में ये सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म में आत्मा परमात्मा स्वर्ग का कहीं कोई जिक्र नहीं है, फिर भी ज्ञान बड़े अव्वल नंबर का है। इतना मनन चिंतन मंथन अच्छा करती है। इसलिए जो 5 पांडव हैं, 5 पांडवों में युधिष्ठिर ब्रह्मा को धर्मराज का नाम दिया है, धारणाओं का राजा, भयंकर पार्ट बजाने वाला, सारी दुनिया के विनाश का निमित्त बनने वाला। इससे ज्यादा कोई भयंकर पार्ट होता है? सब आसुरों का विनाश करने वाला। भीम को क्या दिखाते हैं? 100 कौरवों का वध करने वाला कौन था? भीम। और कीचकों का वध करने वाला भीम दिखाते हैं। तभी हिडम्ब जैसे राक्षसों का वध करने वाला भी भीम को दिखाते हैं। ऐसे ऐसे भयंकर कार्य करने वाला। तो भीम को दिखाया हुआ है। तो राम वाली आत्मा जो शंकर के रूप में पार्ट बजाती है, वो है भगवान का साकार पार्ट। फिर उस साकार पार्ट के प्रति अपने जीवन को अर्पण करने वाला स्वरूप, वो बौद्ध धर्म की आत्मा निकलती है। पावरफुल आत्मा है। संन्यास धर्म बौद्ध धर्म से निकला है। इसलिए मुरली में बोला है, सन्यासी क्राइस्ट से कुछ पहले आते हैं, नहीं तो क्राइस्ट के बाद। शंकराचार्य आए थे, शंकराचार्य का सन्यास धर्म बाद का है, लेकिन उनसे पहले भी सन्यास धर्म बौद्धियों में चल चुका है। बौद्धियों का पतन ही तब हुआ जब प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए उन्होंने स्त्री पुरुष एक साथ रहना शुरू कर दिया। नहीं तो पतन नहीं होता। है मर्जी क्या नहीं नहीं वो ये बात उन्होंने समझी नहीं, इस बात की गहराई को नहीं समझा कि द्वापर युग में देहभान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि स्त्री पुरुष इकट्ठे होकर के पवित्र नहीं रह सकते। वो सभी के लिए स्थिति परिस्थिति है, कोई एक की बात नहीं है। और देवताएं तो इकट्ठे रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो गया जी ले जाते क्या ले जाते पितरों को, जो गया जी ले जाते हैं पितर होते हैं कोई क्या पितर कोई होते ही नहीं है। पहले ब्राह्मणों को खिलाते थे, उन ब्राह्मणों में ऐसे समझते थे कि पितरों की आत्मा प्रवेश करती है। आजकल तो ब्राह्मण भी पतित बन पड़े और पितरों की आत्माएं भी पतित बन पड़ी, अभी वो प्रवेशता भी बंद हो गई। अभी तो ऐसे ही ले जाते हैं भक्ति मार्ग की परंपरा अपनाने के लिए। और बाबा ये जिस महाभारत जो है यज्ञ के आदि में जो विनाश हुआ था ब्राह्मणों की दुनिया में, उसका कारण क्या था? है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी से होता है विनाश संगठन का। इम्प्योरिटी जिस यूनिटी बना देती है। राम फेल हुआ, क्या मतलब हुआ? किस बात में फेल हुआ? इम्प्योरिटी में फेल हुआ। तो मेंटलिटी ऐसी बन गई, अंतमते तो गते, अगला जन्म होता है। तो जो भी ज्ञानवान निकलते हैं, उन ज्ञानवानों से जो भी आसुरी आत्माएं हैं, आसुरी कर्म करने वाले, उनको बाण बहुत तीखे लगते हैं, उनके देहभान को नष्ट करते हैं। एडवांस ज्ञान ज्यादा तीखा एडवांस के ब्राह्मणों को लगता है या बेसिक वालों को लगता है? क्यों? ज्यादा देहभान किन में भरा हुआ है? हैं? जिनमें ज्यादा देहभान भरा हुआ है उनको बाण बहुत तीखा काम करता है, विषैला काम करता है। अभी 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 शंकर वाली आत्मा ऐसा पुरुषार्थ नहीं करती है कि कामदेव को बाण मार दे और निर्विकारी बन जाए। है? अरे शिवलिंग पूजा जाता है, वो शिवलिंग किसकी यादगार है? हैं? मंदिर में जो शिव के मंदिर में शिवलिंग पूजा जाता है, वो लिंग यादगार किस पार्टी की है? हैं? किसकी पार्टी की यादगार है? निराकार में आता है, निराकारी चेक करता है। हाँ, तो निराकार की याद से वो साकार जो है वो भी निराकारी स्टेज को प्राप्त कर लेता है। शरीर होते हुए भी, इंद्रियां होते हुए भी, इंद्रियां योग बल से ऐसी शीतल हो जाती हैं कि पुरुषों को जो दुर्योधन दुशासन कहा गया है वो वृत्ति खलास हो जाती है, मारने वाली इंद्रिय शीतल बन जाती है, दुखदाई नहीं बन सकती। इसलिए कहते हैं काम दहन किया, कामदेव को भस्म कर दिया। हाँ जी, है, हाँ बता तो दिया। होए काम अनंग, अनंग माने सत्युग में देवी देवताओं को वो अंग होगा ही नहीं जो काम की मारने वाला अंग है, वो अंग ही नहीं होगा। लेकिन वो अंग सर्वथा नष्ट हो जाएगा क्या? सृष्टि पैदा नहीं होगी क्या? सृष्टि तो होगी, परंतु सात्विक स्टेज में होगी। आंखों में वो कामना शक्ति पैदा हो जाती है, परंतु वो कामना शक्ति अव्यभिचारी होती है। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है। इतनी सात्विक स्टेज हो जाती है। इसलिए बोला रति की प्रार्थना पर कि कामदेव कोई न कोई रूप में रहेगा तो, लेकिन अनंग रूप में होगा, अंग काम नहीं करेगा। देवताएं कोई भ्रष्ट इंद्रियों से काम करते हैं क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। परंतु कामना तो होती है, अंश मात्र कामना तो होती है, नहीं तो सृष्टि नीचे कैसे गिरती है? सत्युग में दो कलाएं कैसे कम हो जाती हैं? बिना सुख की कामना के आत्मा की शक्ति क्षीण होगी क्या? कामना तो होती है, परंतु इतनी सूक्ष्म कामना होती है तो कोई भी किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। त्रेता में पहुंच करके दो कलाएं कब होती हैं आत्मा की। तब कामना बाहुपात तक पहुंचती है, शेष इंद्रियों से नीचे उतर जाती है। फिर भी श्रेष्ठाचारी कहेंगे। जैसे आँखों की आकर्षण शक्ति से बच्चे पैदा होते हैं, वैसे ही बाहुपात से भी, बाहु में एक दूसरे को बांध करके भी प्यार व्यक्त किया जाता है, उस स्नेह से भी बच्चों की पैदाइश होती है। और है क्या कहा? हैदराबाद में एक आदमी ऐसा है कि वो कन्याओं को अफवाह करता है। मुरली में ये बात बोली गई है कि अमेरिका के अखबार में निकल गया कि भारत में एक जौहरी है जो कहता है हमको 16,000 चाहिए, अभी 400 मिली है। तो उसमें प्रश्न क्या है? हाँ बोला, हैदराबाद में साधु है, सिंध हैदराबाद की नहीं, हाँ वही कलकत्ते का व्यक्ति जो सिंध हैदराबाद में आकर के सत्संग करने लगा और वहाँ 400 इकट्ठी हो गई। जिनके लिए मुरली में बोला है, गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये है प्रजापिता की कहानी। परंतु नाम किसका डाल दिया? कृष्ण दादा लेखराज का नाम डाल दिया। अब उस जन्म में तो वो आस पूरी नहीं हो सकी, 400 से ज्यादा हुई या 16,000 हो गई? कितनी हो गई? हाँ, हो गई 16,000। 400 की 400 ही रही, बाद में 75 रह गई। 75 से भी अभी कम होते होते उनमें से पुराने जाने कितने खत्म हो गए। अभी वर्तमान में कितने हैं वो तो बाद में पता चलेगा, जब 16,000 होंगे तभी गायन होगा ना। गायन कोई 400 का, 800 का, 1,500 का गायन थोड़े ही है। गायन संपूर्ण का होता है या अधूरे का होता है? संपूर्ण का गायन होता है। अब आप समझाते हैं बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, है? तो खाद निकल जाएगी, है? यह तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे, है? तो यहाँ पर अक्षर का क्या शब्द? ये शब्द विन्यास जो बोला कि मुझे याद करोगे तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। मुझे माने कौन है? कौन? बाप। उसकी शिष्ट क्या? शिव तो बिंदु का नाम है। बिंदु को थोड़े ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी कहेंगे। अरे प्रैक्टिकल स्टेज में होगा तभी तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी कहा जाएगा। तो किसे याद करें? बिंदु को। बिंदु को तो सारे विधर्मी याद करते हैं। इब्राहिम बुद्ध साहिब किसको याद करते हैं? बिंदु को याद करते हैं। फिर वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाते हैं? नहीं, क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो प्रैक्टिकल स्टेज नहीं है। वो निराकार जब तक साकार में ना आवे तब तक वो प्रैक्टिकल कर्म करके नहीं दिखा सकता और दुनिया सालों भी नहीं कर सकती। इसलिए बोला मुझे याद करेंगे तो खाद निकल जाएगी। मुझे माने एक है या दो चार है? एक ही है। उसे एक को पहचानना पड़े। तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे। हाँ, अभी नहीं मानते हैं कि वो एक कौन है, क्योंकि अभी हमारे अंदर यह संशय पैदा होता है ये एक यही है या कोई दूसरा है। रोज अखबारों में धूतोरे की निकलती रहती है तो माया बुद्धि को भरमाई देती है, निश्चय को उखाड़ देती है। बाप कितना भी ज्ञान सुनाते हैं तो भी ज्ञान का असर कम होता है और जो ग्लानी का ज्ञान है उसका असर जास्ती हो जाता है। और बाबा के सामने विश्वास कर रहे, बाबा मना करने पर दूर जा रहे। जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करेंगे उनका क्या पार्ट होगा? अच्छा पार्ट होगा या बुरा पार्ट होगा? हाँ, बुरा ही पार्ट होगा। पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज था। हाँ जी। हाँ जी। प्रमाणे प्रकट रूपेण, याग माने यज्ञ, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से यज्ञ हुआ। कौन सी यज्ञ की बात है? ज्ञान यज्ञ की बात है। हाँ जी, जहाँ यज्ञ होगा प्रत्यक्ष रूप से, इतना बड़ा यज्ञ कहीं होगा ही नहीं, तो सबका राजा नहीं कहा जाएगा। जैसे कंपिला को सब तीर्थों का मान्य कहा जाता है। अब चाहे उसे सबका मान्य कह लो, माननीय कह लो, और चाहे सबका राजा राजा कह लो। और बाबा अमृत वेले में सपना देखा था, ये है अमृत वेले में यह सपना आया था हमें कि बाबा ने हमसे पूछा नित्य भाव की भावना से नित्य को कति में कैसे ले जाओ, इसका मतलब क्या है? बेहद का मित्र या लौकिक जीवन का मित्र है? तो बेहद का मित्र कौन है? है बेहद का मित्र कौन है? शिव बाबा जाएगा स्वर्ग में। हाँ, स्वर्ग में सतयुग में शिव बाबा जाएगा, है? शिव तो जाएगा नहीं, फिर कौन जाएगा? है? और जो मित्र बनेगा, जो दोस्त बनेगा, वो कभी दुश्मन भी बनेगा। शिव बाबा न किसी का दोस्त बनता है, न किसी का दुश्मन बनता है। कौन बनता है? है? जिसमें प्रवेश करता है वो दोस्त भी बनता है और दुश्मन भी बनता है। तो अभी हमारा क्या है? अभी शिव बाबा से हमारा क्या संबंध है? दोस्त का, खुदा दोस्त का संबंध। अच्छी बात है। अभी कहाँ पड़ा हुआ है? नरक में पड़ा हुआ है या स्वर्ग में पड़ा हुआ है? और तुम्हारा दोस्त अभी कहाँ पड़ा हुआ है? बोलो। अभी नरक में पड़ा हुआ है। तो शिव भावना रखोगे तो ले जाओगे। इसलिए भक्ति मार्ग में जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो जो घाट के भंगी लोग होते हैं वो क्या आवाज लगाते हैं? देदान तो छूटे ग्रहण। तो शुभ भावना शुभ कामना नहीं होगी तो ग्रहण कैसे छूटेगा? अब ये वास्तव में ज्ञान की बात है या अज्ञान की बात है? क्या तो सूर्य को ग्रहण लगता है या नहीं लगता है? हैं? सूर्य को तो ग्रहण लगता ही नहीं। किसको लगता है? सूर्य तो स्वयं प्रकाशित है, उसको ज्ञान का प्रकाश देने वाला कोई साकार मनुष्य दूसरा नहीं है। वो तो स्वयं ही विश्व कल्याणकारी आत्मा है। और गणेश जी की कसम क्यों है? गणेश जी की कसम क्यों? गणेश जी ने पहला पहला कोई काम ऐसा किया होगा जो दूसरों की बुद्धि में नहीं आया। उन्होंने अपने माँ बाप की पहले परिक्रमा कर ली और विश्व की परिक्रमा हो गई। माना सारा विश्व किसने समाया हुआ है? माँ बाप में ही समाया हुआ है। इसलिए उनकी पहले पहले पूजा होती है। और है किस माता में आती है? जो भी देवियाँ हैं वो माताएं मानी जाती हैं या कन्याएं मानी जाती हैं? लक्ष्मी माता, जगदम्बा माता, इनको क्या कहते हैं? माता ही तो कहते हैं। और ये ज्यादा योग लगाती है, ज्यादा पवित्र रहती है या कम पवित्र रहती है? अरे रुद्रमाला जो है वो राजाओं की माला है या रानियों की माला है? राजाएं जन्म जन्मांतर ज्यादा पवित्र रहे हैं या भारत की रानियां ज्यादा पवित्र रही है? रानियां ज्यादा पवित्र रही है। तो जो रानियां जिनमें जन्म जन्मांतर के प्योरिटी के संस्कार हैं, वो संगम युग में वो प्योरिटी के संस्कार प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे? अरे रास्ता दे दो, पीछे निकल जाए, बैठो मत, पीछे जाओ। हाँ जी, जिन रानियों में जन्म जन्मांतर के पवित्रता के संस्कार रहे हैं, वो संगम युग में पहले पवित्र बनेंगी या कोई दूसरी पवित्र बन जाएंगी? वो ही पहले पवित्र बनेंगी। इसलिए रुद्रमाला जो है वो पवित्र पने की माला नहीं है, वो ज्ञानी तू आत्माओं की माला है। ज्ञान लेने वाले देने वाले सब पवित्र नहीं होते हैं। क्या वो विद्वान पंडित आचार्य हो सकते हैं, लेकिन पवित्र उनमें से वो ही होंगे जो ज्ञान को गहराई तक उतार लेंगे। माने ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में योग के द्वारा उतार लेंगे। जैसे शंकर और उनके 11 रुद्रगण, उनकी यादगार 12 ज्योतिर्लिंगम बनती है, लेकिन वो माताओं के रूप में नहीं पूजे जाते। क्या जो माताएं हैं वो लक्ष्मी माता है, जगदम्बा माता है, काली माता है, सरस्वती माता है, ये सब क्या है? माता ही तो है। जरूर उन्होंने ज्यादा पवित्रता को धारण किया होगा। और लक्ष्मी नारायण ने नीचे हेडिंग दिया है, प्रतियोगी जिस महाराज वहाँ श्री नारायण, और नीचे वाली हेडिंग में दिया हुआ है महाराज कुमार श्री कृष्ण का। क्या मतलब हुआ बाबा कि पहले हुआ या बाद में? महाराज कुमार जब कहा गया महाराज कुमार, तो किसका कुमार है? कोई महाराजा कृष्ण से पहले ही हो चुका है, तब तो महाराज कुमार कहा गया। तो जो पहले महाराजा हो चुका है वो कौन सी युग का है? वो संगम युग का है, उसका कुमार है कृष्ण। तो जो भी संगम युग है, उस संगम युग में सत्य का फाउंडेशन 100% पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है। इसीलिए ऊपर जो लक्ष्मी नारायण हैं उनके लिए बोला गया है। स्वयंवरपुर राधा कृष्ण के लिए बोला है। उनका मतलब सतयुग में। हाँ जी, हाथ उठाओ। हाँ जी, तीर्थ कहते हैं, तीर माने किनारा और था माने स्थान। एक किनारे एक ठिकाने लगाने वाला स्थान। अभी दुनिया को ऐसा तीर्थ दिखाई नहीं पड़ता है जो सबकी बुद्धि को एक ठिकाने लगा दे, लेकिन आगे चल करके ऐसा टाइम आने वाला है जिसके लिए बाबा ने बोला है तुम बच्चे परमधाम को इस सस्ती पर उतार लेंगे। तो इस सस्ती पर निराकारी स्टेज वाला परमधाम संगठित रूप में कौन सी जगह उतारा जाएगा? माउंट आबू। वही तपस्या भूमि है। जब वो माउंट आबू साकारी दुनिया का परमधाम साबित तो हो जाएगा सारी दुनिया के सामने, तो सबकी बुद्धि कहाँ खिंचेगी? माउंट आबू की तरफ खिंचेगी। तो सब सारी दुनिया के मनुष्यों को कहाँ ठिकाना मिला? माउंट आबू में ठिकाना मिला। वो ठिकाना ही था माने स्थान है, तीर माने किनारा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब की बुद्धि को एक ठिकाना मिल जाता है, किनारा मिल जाता है। सारी दुनिया विषय सागर है और उस विषय सागर का किनारा है वो। विषय बैतरणी नदी कहो, सागर कहो, सब की बुद्धि का ठिकाना वहाँ लगेगा। पहुँच पाए या ना पहुँच पाए, लेकिन बुद्धि का ठिकाना सबका वो ही होगा। इसलिए दुनिया का बड़े से बड़ा तीर्थ कहा गया है। मुसलमान धर्म की आत्माएं हो, क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हो, वो अपने अरब देश में मक्का मदीना को नहीं तीर्थ स्थान मानेंगी उस समय जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा। बड़े से बड़ा तीर्थ किसको मानेंगी? माउंट आबू को मानेंगी। और हर जगह दुनिया में विनाश बरपा हो रहा होगा, एक ही स्थान सेफ रहेगा। यहाँ याद के बल से माया का असर नहीं हो सकेगा, न माया का असर होगा न प्रकृति का असर होगा। सारी दुनिया में प्रकृति भूकंप लाएगी, लेकिन वो भूकंप का असर माउंट आबू में नहीं होगा। प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम है, प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम, हाँ जी, वहाँ पर सप्तऋषि चरखी में बैठे हुए हैं। सप्तऋषि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ सभी तपस्या में बैठे दिखाते हैं। हाँ जी, ब्राह्मणों की दुनिया का प्रयाग कहाँ है? यहाँ प्रकट यज्ञ हुआ, ज्ञान यज्ञ कौन सा है? तो जो प्रकट यज्ञ का स्थान है, वहाँ जो भी ऋषि मुनि हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं, वहीं से ज्ञान अर्जन करते हैं। सप्तऋषि मुख्य माने जाते हैं। और उन्होंने रामायण की कथा सुनाई, उनको उसका जो है ऋषि बंद किया, तुलसी राशि ऋषि बंद किया रामायण को, तुलसी राशि याज्ञवल्क्य ने सुनाई, वाल्मीकि ने सुनाई पहले पहले रामायण की कथा, याज्ञवल्क्य ने किसको सुनाई? और भरद्वाज मुनि ने जो द्वापर युग में आज से 2000 साल पहले वाल्मीकि हुए हैं, वही वाल्मीकि वाली आत्मा जो वाल्मीकि रामायण लिखती है संस्कृत में, वो ही कलयुग में आकर के तुलसीदास बनते हैं और अपनी जीवन कहानी लिखते हैं। देखो मुरली में बोला है, शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियाँ लिख दी है। इसका मतलब रामायण किसने लिखी? राम वाली आत्मा ने। कलयुग में राम वाली आत्मा ने लिखी और द्वापर में वाल्मीकि वाली राम आत्मा ने लिखी है। दोनों एक ही आत्मा। अरे भरद्वाज और याज्ञवल्क्य कलयुग में कहाँ से आ गए? तुलसीदास को 500 साल पहले हुए हैं। ये जो ऋषियों मुनियों के नाम है, सप्तऋषि के नाम है, वो कहाँ की यादगार है? संगम युग के नाम है। वो पुराणपंथी में वो नाम दिए हुए हैं। वो कोई द्वापर युग की बात हो रही है। हाँ जी, के साथ साथ है? हाथी किस बात की यादगार है? जिन्होंने महारथी बन करके पुरुषार्थ किया है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, घोड़े सवार पैदल पुरुषार्थी नहीं है, हाथी के समान दिग्गज पुरुषार्थ करने वाले, ऐसे पुरुषार्थी आत्माओं ने जो ज्ञान अर्जन किया है, उस ज्ञान अर्जन को, ज्ञान जल को लक्ष्मी के ऊपर अर्पण करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में दाएं बाएं दो हाथी दिखाते हैं जो लक्ष्मी के ऊपर ज्ञान जल की बरसात करते रहते हैं। होता है बाप आते हैं तो गरीब निवाज बन करके आते हैं या रईस निवाज बन के आते हैं? हैं? गरीब निवाज। और गरीब निवाज बाप की यादगार कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर। तो जो जगन्नाथ मंदिर में भोग लगाया जाता है वो खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जल्दी तैयार हो जाती है, खाने में भी ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता और पचाने में भी ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। इसलिए ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए मना नहीं है। दूर दूर से कोई आते हैं तो उनको भूखा थोड़ा ही भेज देना है, लेकिन घंटे दो घंटे तीन घंटे की दूरी से आते हैं। तो ऐसे तो रोज ही आदमी अपने ऑफिस में जाता है, 9 बजे खाना खा के जाता है और शाम को 6-7 बजे फिर आके घर में खाना खाता है। उसमें धामा खाने और बनाने की और लोड डालने की दरकार ही नहीं है। बाकी जो दूर से आते हैं उनको तो पूछना चाहिए। बाकी भांति भांति के व्यंजन बनाना, खीर पूरी बनाना, ये कोई गरीब निवाज बच्चों की तो बात नहीं है। ये तो टेंडेंसी बढ़ाना है धामा खाने की और धामा खिलाने की। धामा खाने वाले ब्राह्मण बनना है और दूसरों को बनाना है। हाँ जी, कारण का है वो इस तरीके से छपा सकते है। क्या चीज? कार्ड इस तरीके से छपा सकते हैं। वो बाद में टाइम, ऐसे अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। वेरीफाई यहाँ से। प्रसाद किसे कहा जाता है? हैं? प्रसाद माने क्या? ब्राह्मणों की भाषा में उसे कहते हैं टोली। क्या? जो कृष्ण के मुंह में मक्खन देने वाली बात है, वो ही शंकर के मुंह में प्रसाद रखने वाली बात है। लेकिन उस प्रसाद को जो सारी दुनिया प्रसन्न हो जाए, ऐसे प्रसाद की वृद्धि माया नहीं होने देती है। क्या जब प्रसाद की वृद्धि नहीं होगी तो क्या कहेंगे, कौन चाट गया? माया बिल्ली चाट गई, अभी चाट रही है। जहाँ पे आनंद भवन है तो वहाँ से चल रही गंगा बहती थी। हाँ जी, अखबार में आकर के बक्सी बांध बनवा दिया है, बक्सी बांध। हाँ, वहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पे आज कंगन कर दिया। हाँ जी, तो वहाँ पे भरतवाज मुनि का आश्रम है, भरतवाज मुनि का आश्रम है, रामायण में आया हुआ है। भरतवाज मुनि बसई प्रयागा विनय राम पर अति अनुरागा है, वहाँ आया हुआ है। तो अभी वो विनाश के बाद जब उत्तर आता है पकड़े नहीं करता जो है वहाँ से बहेगी। ठीक है, गंगा कहाँ से भी बहे, लेकिन जब गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ का जहाँ मेल होता है, तीनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, तब ही प्रयाग कहा जाता है। ये सब शास्त्रों की बातें कहाँ भूसा भरे पड़े। परम सने कहाँ भारद्वाज और कहाँ ये परम सने प्रेमी है वो साथ क्या करना है। हाँ, पुजारी पुजारी भक्ति की बात बताएंगे या ज्ञान की बात बताएंगे? मतलब भक्ति की बातें बताएंगे। अगर मनन चिंतन मंथन करना है तो मुरली की बातों का करना है, अव्यक्त वाणी की बातों का मनन चिंतन मंथन करना है। और अगर गहराई में जाना है तो बाप का टीचर स्वरूप का जो क्लैरिफिकेशन है उसकी गहराई में जाना है। इसके अलावा और जितनी भी कैसेटें तैयार हो रही हैं, जितना भी लिटरेचर तैयार हो रहा है, जितने भी शास्त्र हैं और जितने भी शास्त्रों को सुनाने वाले पुजारी पंडित विद्वान आचार्य हैं, वो सब माथा खराब करने वाले हैं या माथा को सालिम बनाएंगे। बाबा ने शैली ही नहीं किए हैं, शैली के होते तो आपसे पूछते ही नहीं। हाँ जी, आपने पहले ही ज्ञान दे चुके हैं, सब शैली किए ही नहीं है। पुजारी के पास पहुँच गए। हाँ जी, बाबा लक्ष्मी जी को कमल पर बैठाया है, कमल पर बैठाते लक्ष्मी जी को। हाँ, माने कमल का फूल गृहस्थी जीवन की निशानी है या नहीं है? हैं? तो जब गृहस्थी जीवन की निशानी है, गृहस्थी जीवन जो है वो कीचड़ में रहते हुए भी कमल फूल समान जीवन का सूचक है, इसलिए महालक्ष्मी को कमल के ऊपर बिठाया हुआ दिखाते हैं। और बाबा उसमें भी सब दुर्योधन दुशासन कारा तक जाते हैं कि राजा कई लाइने रखते थे पर जो तो 5-5 बजे इनको काटेंगे। जो द्रौपदी नाम है वो कहाँ का नाम है? संगम युग का नाम है या द्वापर युग का नाम है? संगम का नाम है। संगम में जब बाप आते हैं तो जो ब्रह्मा कुमारियां हैं उनकी परवरिश का ठेका एक व्यक्ति नहीं उठाता, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर किया जाता है। तो कोई न कोई मुख्य भाई आश्रम का ठेका उठाता है, परवरिश का। पति कहा जाता है पाति, रक्षा करने वाला। तो उनकी प्योरिटी को जो रक्षा करता है वो ही पति कहा जाता है। 5 आश्रम अगर बदले तो कितने पति हो गए? 5 पति हो गए। उन्होंने भिखारी बुद्धियों ने उसको भिखारी हाथों में लगा लिया। और तुलसी को गंदी जगह पे तुलसी को गंदी जगह पे दिखाते हैं, तुलसी को गंदी जगह पे दिखाते हैं। तुलसी जहाँ गंदी जगह में लगाई जाएगी, टट्टी पेशाब जहाँ होता होगा वहाँ वो पनपेगी नहीं। गंध की हवा भी अगर लग जाए तो भी तुलसी का पौधा खत्म हो जाता है। जो भी भक्ति मार्ग में होता है वो यादगार कहाँ की है? संगम युग की। संगम युग में जो भी बाबा का ज्ञान लेने वाले हैं वो सब पंडित ब्राह्मण हैं या नहीं है? ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण 3 सूत्रों को हद में धारण करते हैं या 3 सूत्रों को बेहद में धारण करते हैं। वो बेहद में 3 सूत्र कौन से हैं? ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान और शंकर का ज्ञान बुद्धि में रहता है। उसको अपने जीवन में कंधे पर धारण करते हैं, माने उन तीनों मूर्तियों के ज्ञान को कंधे पर धारण करना माने उसकी जिम्मेवारी उठाना कि हमें इन 3 मूर्तियों को, त्रिमूर्ति शिव को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। ये है कंधे पर जनेऊ धारण करना। उन्होंने 3 सूत्र स्थूल रूप में धारण कर लिए। जिनकी गांठ ऊपर बंधती है उसे कहते हैं ब्रह्म फांस। ब्रह्म को भगवान समझते हैं। वास्तव में है किसकी बात? एक शिव ही ब्रह्म है। जो ब्रह्मा के तन में आता है, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो चाहे कोई दूसरा ब्रह्मा हो, और 3 सूत्रों का ज्ञान जिनकी बुद्धि में बैठता है वो ही द्विजन्मा ब्राह्मण माने जाते हैं। पहला जन्म है बेसिक में, क्या ब्राह्मण का जन्म 2 होता है ना, एक जन्म है स्थूल जन्म बच्चा बुद्धि, तो बेसिक का ज्ञान बच्चा बुद्धियों का है या सालिम बुद्धियों का है? बच्चा बुद्धियों का ज्ञान बेसिक ज्ञान। और जो एडवांस ज्ञान मिलता है, जैसे कि जनेऊ धारण कर लिया, यज्ञोपवीत तो हो गया, 3 सूत्रों का ज्ञान बुद्धि में धारण कर लिया, संसार में ये प्रत्यक्षता करने के लिए। ये 3 सूत्रों को निर्वहन करने वाली मूल मूर्तियां कौन हैं? उनको प्रत्यक्ष करना है संसार में। जनेऊ के 3 धागे डालते हैं तो टट्टी पेशाब करने जाते तो क्या करते हैं? कान में लगा लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 मूर्तियों का जो ज्ञान है, जब कोई ऐसा वैसा काम करते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियां हैं, कर्म के बगैर नहीं रह सकती। कर्मेंद्रियों की भूख कर्मेंद्रियों को चलायमान कर ही देती है, तो उस समय वो 3 सूत्र का ज्ञान श्रुति में धारण करके रहना चाहिए। ऐसे नहीं वो भूल जाए, इसलिए कान में अटकाते हैं। और बाबा आया है एक लंका में, लंकी उसने बोली जब रावण नहीं ब्रह्म पर जीना, आज जबत बीरन की कहा मोह जीना, विकल हो जब कप के मारे तब जानत निश्चय संहारे, ये कब होगा? है वो भाई कौन क्या कह रहा है? भाई कह रहा है आपने टैली नहीं किया इसलिए पूछ रहे, अगर टैली किया है तो बताओ। बताओ बताओ। अरे इसका मतलब टैली नहीं किया आपने है? उंगली उठाने में दोनों बड़े उस्ताद हैं। हाँ जी। और है? हाँ, झगड़ा करना ही नहीं है। झगड़ा करने वाले बाप के बच्चे हैं या नहीं है? हैं? जो झगड़ा करे, मुँह चावर करे, वो बाप के बच्चे ही नहीं। सिर्फ मुख से ही नहीं, संकल्पों में भी झगड़ा न करें, क्योंकि जानते हैं ये तो अज्ञानी है। ये जो अज्ञानी लोग हैं वो विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो करेंगे ही विरोध। इसलिए एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, चुप रहो, दूसरा कोई तरीका नहीं है। बाबा ने हमको हमारे परिवार में से अकेला निकाला है, पावरफुल आत्मा समझ करके निकाला है या कमजोर आत्मा समझ करके निकाला है? अपने को पावरफुल आत्मा समझना चाहिए। सहन शक्ति सब गुणों का राजा है। ये सहन शक्ति हमको धारण करनी है। और निकलती है, है? क्या निकलती है? वरुणा। हाँ, चैतन्य आत्मा उसी क्षेत्र से निकलनी चाहिए और नहीं निकलनी चाहिए। पूरी वाराणसी से नहीं निकलना चाहिए। हाँ, वाराणसी काशी नगरी है तो पूरी काशी नगरी से नहीं निकलना चाहिए। जहाँ वरुणा नदी है वहीं से निकलना चाहिए। काशी नगरी का मतलब ये है जिस नगरी में काश के अर्थात तेज भरा हुआ है, वो तो सारी नगरी में भरा हुआ है। हाँ, गंगा जो है वो तलवार का रूप तब धारण करती है जब वरुणा नदी से जाकर मिलती है। वहाँ से काशी नगरी की शुरुआत होती है। गंगा नदी आई और वरुणा नदी से मिली और तलवार का रूप धारण कर लिया। वो तलवार का रूप जो बना हुआ है वो सारी वाराणसी है। जहाँ से तलवार का टेढ़ापन शुरू होता है, तीखापन शुरू होता है, वहाँ वरुणा नदी है। काशी नगरी की शुरुआत वहाँ से होती है। धर्मराज भी मार खाएंगे। अगर पोता मेल देती है तो एक बार माफ, दो बार माफ, बहुत में बहुत 3 बार माफ हो जाएगा। बाद में बार बार माफ होता रहेगा क्या? हैं? दूसरी आत्मा के बात। ये तो दूसरी आत्मा के निश्चय की बात है। अगर निश्चय बुद्धि है तो अपने को मुर्दा बना देगी, बाप की याद में उड़ जाएगी। जो बाप की याद में उड़ जाएगा तो उसकी बुद्धि ऊपर रहेगी, मन बुद्धि ऊपर चली गई तो विकार का सुख भोगेगी या नहीं भोगेगी? नहीं भोगेगी। तो उसके ऊपर कोई पाप ही नहीं लगेगा। दूसरे के उकसाने से अगर उकस जाता है, दूसरे से कोई प्रभावित हो जाता है तो पाप लगेगा। प्रभावित ही नहीं हुआ तो राजा बन के रहेगा या प्रजा बन जाएगा? राजा बन के रहेगा। ये तो अंदरूनी ज्ञान है, मन को कोई रोक नहीं सकता, तन को कोई बांध लेगा। तन की इंद्रियों की छेड़छाड़ और बांधा बूंदी कोई कर सकता है, लेकिन मन को कोई बांध ही नहीं सकता। अंदर की दृढ़ता चाहिए। क्या है बाबा ने आपको बताया नहीं है क्या? फिर बार बार क्यों पूछ रहे हैं? बाबा ने आपको नहीं बताया कि ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। पृथ्वी के अलावा और कोई ग्रह उपग्रह पर कोई जीवन नहीं है। नहीं बताया हैं? हाँ, तो जीवन तो नहीं है हैं? कौन? हाँ हाँ, तो तुम्हें विश्वास हो रहा है हैं? तो चल रहा है, चाहे कुछ भी चलाएं, चाहे कुछ भी झूठ बोले। दुनिया झूठ, वो झूठी है, झूठी दुनिया झूठा बोलती है, तो हमें क्या विश्वास कर लेना चाहिए? यही भगवान है। है? हमारे भगवान बदलते रहते हैं क्या? क्या क्या किया है भाई की? अच्छा, क्या मिला? खोज करने से मिला क्या फायदा? क्या हुआ? हाँ, अच्छा, हाँ, तो हुआ कुछ फायदा? हुआ फायदा? कुछ नहीं हुआ। तो काहे के लिए माथा खराब करते हैं? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। पेपर में तो अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें आती हैं, या सिर्फ अच्छी अच्छी आती है? हैं? फिर काहे के लिए धारण करना है? अरे ये किसने कंफर्म किया है? उन्हें तुमने कैसे मान लिया ये बड़े बड़े हैं? हैं? ये कैसे जान लिया कि वो निर्विकारी है? वो बड़े बड़े ज्योतिषी विकारी हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही हैं या निर्विकारी हैं? हैं? तो फिर निर्विकारी नहीं है, सब विकारी है, तो बुद्धि कैसी हुई? विकारी बुद्धि। विकारी बुद्धि जो कुछ भी निकालेगी वो झूठी बातें निकालेगी या सच्ची बातें निकालेगी? और तुमको तो शिव बाबा कैसा मिला है? शिव बाबा तो निर्विकारी है। शिव तो आता ही है निर्विकारी ढंग से, वो तो कभी विकारी बनता भी नहीं। तो ऐसे को छोड़ करके इधर उधर की बातों में, गलियों में क्यों भटकना चाहिए? अच्छा तो हम रह जाएं, ये लोग कामयाबी प्राप्त कर लें और हम इस ईश्वरीय ज्ञान में ही मस्त रह जाएं। भटकते रहो ऐसे ही में, कल को कोई और नया निकल पड़ेगा, नई बात बोल देगा तो वहाँ भटक जाना। हमारे यूनियन में पॉइंट आया है, कई बच्चे घोड़ लगाने से डरते हैं। घोड़ तो सबके घर पर रहता ही है जी। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को दो। हाँ जी, ये अच्छे हो तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते? बिल्कुल लगाना चाहिए। बोर्ड पर लिखना क्या है? बोर्ड पर यही लिखा हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों यहाँ मिलती, आओ। छूने से कोई, तुम छू दो अच्छा हो जाएगा। वो खाना पीना छू लेते हैं, वो तो दुनियावी याद में है, बेदारियों की याद में वो छू लेते हैं, तो तुम शिव बाबा की याद में क्या करो, छू दो, शुद्ध हो जाएगा। वेद में क्या अर्थ है? कोई अगर हमें राष्ट्रपति पद दे कि तुम राष्ट्रपति पद ले लो, तो राष्ट्रपति पद लेने से जिम्मेवारियां दुनिया की बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी? बढ़ जाएंगी। फिर अब ज्ञान बुद्धि में रह जाएगा या घट जाएगा? ज्ञान तो गया, खत्म हो गया। इसलिए बोला तुमको राष्ट्रपति का पद भी मिल जाए तो भी तुम फूंक मारेंगे। अगर ज्ञान में चलने वाले कोई पार्षद के चुनाव में खड़े हो जाते हैं या चेयरमैन के चुनाव में खड़े हो जाते हैं या एमएलए एमपी के बनने के चुनाव में खड़े हो जाते हैं, तो उनको बाबा की वाणी का आदर करने वाला कहेंगे या निरादर करने वाला कहेंगे? अरे बाबा ने तो बोला ये तो छोटे छोटे पद हैं, तुम्हें राष्ट्रपति का पद भी अगर कोई देवे तो भी तुम उसे फूंक मारेंगे। अरे हमको 150 साल के लिए विश्व की बादशाही मिल रही, 2500 साल के लिए हम निराधार बन रहे हैं। राष्ट्रपति तो आधीन होता है, रबर स्टाम्प कहा जाता है। ये कोई राजा ही है? हाँ। है? कर्जा लेने के लिए ज्ञान में मना कर दिया है। कर्ज मर्ज कहा जाता है। भीख मांग करके कर्जा लेना ये मांगना है या नहीं? तो जो भीख मांग करके भक्ति करेंगे वो अच्छी बात है क्या? अरे हम अपनी खुद कमाई करें और खुद की राजधानी स्थापन करें, कर्जा लेने की बात ही नहीं। जिसके पास 10 रुपया है वो 10 रुपया लगाएगा, जिसके पास 10 लाख है और वो 10 लाख लगाएगा ईश्वरीय सेवा में, तो दोनों का बराबर हिस्सा बनेगा या कम जास्ती बनेगा? बराबर बन जाएगा। इसमें लोन लेने की क्या बात है? हैं? हाँ। हाँ। माताएं जो हैं जिस परिवार की पालना कर रही है उस परिवार का जो मुखिया है उसकी अर्धांगिनी है या नहीं? अर्धांगिनी है। अब मुखिया उनका आधा हिस्सा नहीं देना चाहता है ना, तो कोई बात नहीं, अपना हिस्सा। मकान में किसी का आधा हिस्सा है, दूसरा दबंग पड़ता है, वो नहीं देना चाहता, सारा हिस्सा हड़प करना चाहता है, तो वो चाहे तो आधा हिस्सा किसी को बेच सकता है कि नहीं? है ये पाप होगा या पुण्य होगा? पाप तो नहीं होगा। तो ऐसे ही चोरी किसको कहा जाता है? अपनी चीज लेना चोरी है या पराई चीज लेना चोरी है? पराई चीज लेना चोरी है। जिस चीज पे हमारा हिस्सा है उसको लेना कोई चोरी हो रही है? बाकी परिवार में झगड़ा न हो इसलिए इस युक्ति से लेना है, जो नाप मरे लाठी टूटे। एक दिन के लिए मिलने की छूट है। ये तो आपका काम है, आप उन्हें सुनाइए। हाँ, हाँ जी, ठीक है भाई। तो ज्ञान सुनाया, हाँ, सुनाने के बाद वो कहते हैं कि हमने मेरी मुरली सुनाएंगे बाबा की आपकी, है बाबा के आपकी मुरली सुनाएंगे हम, सीढ़ी दे दो। हाँ, तो सीढ़ी देना चाहिए। जो जनरल कैसेट हैं, जनरल पब्लिक की, वो जनरल पब्लिक की 20-25 कैसेटें हैं, वो देते ना। वो तो ब्रह्मा कुमार है, कोई दुनियावी जनरल आदमी को भी दोगे तो उसका भी कल्याण होगा। टाइम हो गया।